उत्तर प्रदेश के रायबरेली में कांग्रेस कार्यालय में आज खुशी का माहौल है। कार्यकर्ता ढोल और नगाड़े बजा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है। रायबरेली के जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में होली जैसा माहौल देखने को मिला। लोग एक दूसरे के ऊपर गुलाल डाल रहे थे। जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें संसद में जाने की अनुमति दी गई है, जिससे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। नगरपालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर ने भी तिलक भवन पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ खुशी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राहुल गांधी को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय करते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी, इसलिए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। आज खुशी मनाई जा रही है कि राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है, क्योंकि जिस तरह से इस सरकार ने राहुल गांधी को की सदस्यता समाप्त कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है बहाल कर दी है। इसी विषय पर लेकर के आज हम लोग खुशी मना रहे हैं कि राहुल गांधी की जीत हुई है और ये पूरे हिंदुस्तान की जनता की जीत हुई है, इसलिए खुशी मना रहे हैं हम लोग। आज हम कांग्रेसियों और पूरी देश की जनता के लिए बड़ा गर्व का दिन है, खुशी का दिन है। इसी के लिए हम लोग आज खुशियाँ मना रहे हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं, पूरा सब रंगों से खेल रहे हैं यहाँ पे लोग। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस तरह राहुल गांधी जी की सज़ा पे रोक लगाई गई और आज उनकी लोकसभा सदस्यता नोटिफिकेशन के माध्यम से ख़त्म कर दी गई, वो संसद की सदस्यता बहाल हुई है, सब खुश हैं। जनता के मुद्दों को लगातार राहुल जी जैसे उठा रहे थे, दोबारा से हम लोग संसद में देखेंगे। जन जन की आवाज़ है राहुल गांधी जी, जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों जनता के मुद्दे उठाए, ये न्याय की जीत है, सत्य की जीत है और जनता की आवाज़ की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।